नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप। एक नजर सरकार की तरफ, एक नजर दुनिया की तरफ ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर आप एक मेडिकल स्टोर यानी एक मेडिकल दवा खाना खोलना चाहते हैं तो आप कैसे खोल सकते हैं, और इसके अंतर्गत आपको जमीन की कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको सरकार के द्वारा कितने पैसे दिए जा रहे हैं, आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए, अगर आप सारी सरकार की शर्तें मानते हैं तो आपको कितनी प्रॉफिट हो सकती है। आपको पता है कि मेडिकल स्टोर्स अगर खोलने में कितनी ज्यादा प्रॉफिट और प्रॉफिट बना रहे हैं और आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपके मन में जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाने वाला है। तो अभी मैं बता दूं कि ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको कम शब्दों में और सटीक जानकारी आपको कुछ हिंदी के माध्यम में दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे आप इसकी जो सरकार के द्वारा साइट पे अपलोड की गई है जो भी जानकारी, वो कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं, और फॉर्म भरने के लिए भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। तो चलिए और इसकी जानकारी जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में कुछ डिटेलिंग दी गई है, और इस डिटेलिंग में मैं आपको बता दूं तो यह योजना सरकार के द्वारा एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत लोगों तक कम से कम दामों में दवाइयां पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और इस कोशिश में आप भी एक योगदान दे सकते हैं। जैसे कि आप अगर मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा आप दवाइयां यानी सपोर्ट कर सकते हैं लोगों तक। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सरकार जगह जगह पे मेडिकल स्टोर खोल रही है। तो अगर ये मेडिकल स्टोर खोल रही है तो आप इसके लाभ कैसे ले सकते हैं, तो ये आप दूसरे पॉइंट में देख सकते हैं कि यदि आप एक उम्मीदवार हैं तो आप कि अगर एक शहर में है या फिर गांव में है, अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं मेडिकल स्टोर, तो इसमें मैं आपको बता दूं तो 5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आपको सपोर्ट दिया जाता है। और आप कहेंगे कि क्या 5 लाख और 2.5 लाख एक ही बार मिल जाएगा, तो नहीं। मैं आपको बता दूं ये आपको 15,000 प्रति महीने करके दिया जाएगा, और इसमें आपको 20% तक जो मूल्य रेट होता है, MRP होता है, उससे आपको प्रॉफिट दिया जाता है। अगर आपके पास डिग्री क्या होना चाहिए, तो आपके पास बी फार्मा, एस फार्मा या फिर डी फार्मा, ये सारी चीजें डिग्री होती है। अगर आप एक सरकार की सारी शर्तें मानते हैं तो यहाँ पर इनके तरफ से सरकारी डाटा के हिसाब से 25,000 रुपए तक आप कमा सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि आप कितना कमा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो आप कोशिश करिए। और यहाँ पर आप कैसे खोल सकते हैं तो मैं आपको बता दूं तो 5,000 इसका रजिस्ट्रेशन लगता है जो जनरल कैटेगरी से है, लेकिन यहाँ पर अगर आप SC ST या दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 5,000 जो रुपए है ये नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैं बता दूं तो केंद्र खोलने के लिए 50,000 रुपए तक की दवाइयां की अग्रिम रूप से सहायता दी जाती है, और जन औषधि सेंटर खोलने के लिए आपकी 3 कैटेगरी बनाई गई है, जो कि पहली कैटेगरी में बात करता है कि कोई भी व्यक्ति या बेरोजगार फार्मासिस्ट है, जैसे एस फार्मा डी फार्मा आपने किया है, ग्रेजुएशन कर लिया, अगर आप तो नौकरी नहीं मिल रही है तो आप एक अच्छा दुकान खोलकर अच्छे से अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं, और एक इंडिविजुअल आप कई लोगों को रोजगार भी पैदा कर सकते हैं, और वहीं पर आपको डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनल स्टोर खोल सकेगा। और यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में मैं आपको बता दूं तो जैसे कि NGO, यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर सोसाइटी या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपको पता होना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, और इसके अंतर्गत अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा सरकार की तरफ से इंसेंटिव दी जाती है। वहीं तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट यानी वो किसी को भी एजेंसी को दे सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश एग्जाम करवाता है UPPCS का, तो उसका अलग एजेंसी है। इसी तरीके से अगर सरकार चाहती है किसी हॉस्पिटल को देना तो वो दे सकती है। और दुकान खोलने के लिए आपके पास 120 वर्ग फुट की एरिया होनी चाहिए जहां पर आप खोलना चाहते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि एक दुकान पहले से खुला हुआ है तो उसकी अंतराल 1 किलोमीटर होनी चाहिए अगर शहर में है तो, अगर वहीं आप गांव कुआं पे खोलना चाहते हैं तो इसकी दूरी 1.5 किलोमीटर होनी चाहिए एक दुकान से दूसरी दुकान पे। अगर सेंटर खोलने वाले को सरकार की ओर से 1451 से ज्यादा दवा अगर आप एक खोल लेते हैं तो आपको यहाँ पर जितनी डिजिट लिखी गई है 1451 दवाएं आपको प्रोवाइड की जाती है। तो मैं आपको बता दूं तो इसके लाभ क्या है, जाहिर सी बात है आप इसी लाभ के चलते अगर आप खोल रहे हैं और आप एक बेरोजगार हैं तो खोल रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 20% मूल्य रेट से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पर 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया 15,000 रुपए करके महीना आपको मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो जो ये 10% लिखा है, जैसे कि आपने साल में 100 यानी 10 लाख तक आपने सेल कर दी तो उसकी 10 लाख का जो 10% बनेगा उतना आपको इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा, रिवार्ड यानी आप बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप उत्तर पूर्वी राज्य के नक्सल इलाकों और आदिवासी क्षेत्र में यह इंसेंटिव 15% हो सकती है,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एरिया पर डिपेंड करता है कि 10% अगर कहीं भी सामान्य एरिया पे है, अगर कहीं नक्सलवादी एरिया पे खोलते हैं तो ये इंसेंटिव आपको बढ़ाकर 15% दी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें जानकारी आपको अभी तक मिल गई होगी। और आपको मैं बता दूं कि इसकी कैसे फॉर्म भरा जाता है, तो चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अबाउट अस पे जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा अबाउट अस और यहाँ पर अप्लाई फॉर केंद्र। अगर यहाँ पर अप्लाई फॉर केंद्र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जितनी भी डाटा है कि कैसे आपको खोलना है इसमें। तो यहाँ पर आप हिंदी वर्जन में देख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन में देख सकते हैं। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ हिंदी वर्जन का। तो हिंदी वर्जन में जैसे कि यहाँ पर आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पर जितने भी जन औषधि केंद्र कैसे खोलेंगे ये सारी चीजें आपको जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर रेड पेन ले लेता हूँ ताकि ज्यादा विजुअल हो आपको। और यहाँ पर जैसे कि मैंने सारी चीजें जो जानकारी बताई कि 5 लाख और उसके बाद से 15,000 प्रति महीना आपको दिया जाएगा, जो कि 2 लाख और 5 लाख तक का है। और मैं आपको बता दूं तो अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और 10 लाख के बराबर या उससे अधिक आबादी वाली शहर जिले में है, तो जैसे कि मैंने आपको दूरी का बताया, एक दुकान से दूसरी दुकान तक 1 किलोमीटर शहर में होना चाहिए और गाँव में आपको वही 1.5 किलोमीटर की दूरी आपको अनिवार्य कर दी गई है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं तो ये इंस्पेक्शन बहुत ही बारीकी तरीके से होती है और ये सारी चीजें आपको डिग्री यहाँ पर मिल जाएगा देखने को, जैसे कि एक एक चीजें मैंने आपको बता दी है पहले ही। और मैं कुछ और चीजें आपको बताने लायक इसमें है नहीं, सारी मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको 3 कैटेगरी कम शब्दों में बताया, यही है सारी तीनों तीन कैटेगरी, 1, 2, 3 एंड दिस 1, 3। एंड अब हम बात करते हैं कि इसके फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप क्लिक हियर टू डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर पहले रजिस्टर करना होगा, अगर आपने पहले से साइन किया है तो लॉगिन आपको यूजर आईडी दे दी जाएगी और यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कुछ और भी सारी चीजें जानकारी, तो जैसे कि आप यहाँ पर होम पे चलते हैं और यहाँ पर होम पे जाने के बाद से अप्लाई फॉर केंद्र पर मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट, और यहाँ पे कुछ सारी टेंडर भी निकलती है, टेंडर डिटेल भी देख सकते हैं। जैसे कि 10/8/2023 है और ये लास्ट है 1/9/2023, अगर इसकी टेंडर लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। और सारी चीजें जैसे कि इसके बारे में, स्कीम्स के बारे में और लोकेटर केंद्र के बारे में हम जो आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन कौन सा लोकेटर है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का ही हम लेते हैं और यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं बलिया का। यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतनी सारी अभी तक इस योजना का लोगों ने लाभ ले चुका है, जैसे कि नीरज कुमार कुंवर, ये फंक्शनल है यहाँ तक। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, अप्लाई कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको, और एक चीज और बता दूं कि ये किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आपको साइट पर ही दिख जा रहा होगा कि फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल सर्विस ब्यूरो ऑफ इंडिया के तहत, ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और मैं इसके कुछ फॉर्म के बारे में बता दूं कि अगर कैसे फॉर्म भरना, आपने रजिस्टर कर दिया वो सारी कर दी, तो ये आपको एक फॉर्म मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पर नाम वगैरह सारी चीजें भरनी होगी, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, और फिर जिस कैटेगरी का मैंने बताया 5,000 रुपये आपको लगते हैं, यानी हद तक कि ये सारी चीजें फॉर्म आप फिल, जाहिर सी बात है, और भर सकते हैं। और यहाँ पर बिना आधार कार्ड का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और पैन कार्ड लगेगा, और सारी चीजें यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। और ये सारी चीजें जो है, डाटा जहाँ से मैंने कलेक्ट किया है, इसका ये सोर्स है, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें मैंने साइट से ही ली है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। और मैं, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अधिकतम न्यू व्यूअर्स ही देखते हैं, सब्सक्राइब व्यूअर्स हमारे बहुत कम आते हैं। तो डाटा दिखाता है कि 80% तक यहाँ पर न्यू व्यूअर्स ही देखते हैं हमारे इस चैनल को, और 20% सब्सक्राइबर्स व्यूअर ही देखते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।